अगर आप भी मेरी तरह टिंडर ऐप का यूज़ करते हैं और अगर आपका टिंडर ऐप ओपन नहीं होता है या फिर ओपन होने के बाद काम नहीं करता, ऑटोमेटिकली ब्लैक स्क्रीन आ जाती है, टिंडर ऐप की प्रॉब्लम अगर आपको हो रही है नॉट वर्किंग वाली, तो किस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को फिक्स करोगे वो आज की इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, टिंडर ऐप के अंदर काफ़ी सारे यूज़र्स को जो है दिक्कतें आ रही है, काफ़ी सारे लोगों की जो रेटिंग्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है या फिर काफ़ी सारे लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स यहाँ पर शेयर की है। तो कैसे आप फिक्स कर सकते हैं अपनी ये प्रॉब्लम को, मतलब ध्यान से सुनेगा। तो सबसे मेन काम आपको ये करना है, जब भी आप टिंडर को यूज़ करेंगे आपको दूसरे एप्लीकेशन यूज़ नहीं करने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बैकग्राउंड से जो एप्लीकेशन है आपको यहाँ पर नॉर्मली रिसेंट एप्लीकेशन या फिर जो आपने खोल रखे एप्लीकेशन है उसको किसी को भी यूज़ नहीं करना है, ठीक है। कोई भी एप्लीकेशन यूज़ नहीं करना, सिर्फ टिंडर को ही यूज़ करिएगा। जब आपको टिंडर यूज़ करना है तो एक टिंडर एप्लीकेशन यूज़ कीजिए, बाकी जब आप दूसरे एप्लीकेशन यूज़ करेंगे तो टिंडर काम नहीं करेगा। तो जस्ट यूज़ ओनली वन एप्लीकेशन एट द वन टाइम, बाकी टिंडर को अपडेट करवा लीजिए। अगर अपडेट आपको दिखा रहा है, यहाँ पर अगर अपडेट आ रहा है तो यहाँ से आप जो है इसको अपडेट करवा लीजिए। काफ़ी सारे लोग जो है अपडेट नहीं करवाते हैं, तो यू जस्ट नीड टू अपडेट टिंडर एप्लीकेशन, ओके। अपडेट करवाने के बाद अगर आपको सेम प्रॉब्लम आ रही है तो क्या कर सकते हैं, देखिए इसके लिए और भी तरीके, जैसे इसका डाटा को आप क्लियर कर दीजिए, डाटा और कैच को क्लियर करेंगे, ऐप नोटिफिकेशन में आएंगे, ऐप मैनेजर होगा आपके फ़ोन में तो उसमें आएंगे, और यहाँ से आपको जो है टिंडर का डेटा कैच क्लियर कर देना है, ठीक है। डेटा और कैच को दोनों को आपको यहाँ से टिंडर को क्लियर कर देना है, एंड फिर से आप ट्राई कीजिए कि आप जो है एक समय एक ही एप्लीकेशन यूज़ करेंगे। बाकी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है अब लगभग सभी लोगों को ही आ रही है।